वेलकम दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं, अब क्या कोई भी महिला किसी भी बाहर वाले मर्द से, किसी भी व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाती है तो वो अपराध नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों IPC का सेक्शन 497 IPC पहले जो कानून बना हुआ था वो ये कहता था, आप इसको ध्यान से सुने, 1860 में ये कानून बना था, IPC 497 में स्पष्ट कहा था 150 साल पहले कि इसमें अगर कोई भी महिला के साथ सहमति से भी शारीरिक संबंध बनाता है तो अपराध माना जाएगा। अगर उस महिला का पति उस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन जो अभी 1.5 साल पहले इस IPC के सेक्शन 497 को 5 जजों की खंडपीठ ने, जस्टिस दीपक मिश्रा और इनके साथ 5 जजों की खंडपीठ ने इसको 497 IPC को असंवैधानिक करार दिया है। अब इस IPC को अगर असंवैधानिक करार दिया है तो इसमें क्या बदलाव किया है इस जजों की खंडपीठ ने, आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। पहले यह था कि अगर कोई भी महिला किसी भी बाहर के मर्द से शारीरिक संबंध बनाती थी तो वो अपराध माना जाता था, लेकिन अब कोर्ट ने देखा है कि इसमें महिला की आज़ादी को हम छीन रहे हैं, महिला की स्वतंत्रता को हम छीन रहे हैं, महिला कहीं आ नहीं सकती, अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। इसकी वजह से इस 5 जजों की खंडपीठ ने IPC के सेक्शन 497 को असंवैधानिक करार दिया है और इसे रद्द किया है। तो इसमें अब क्या बदलाव किया है, अब ये बदलाव किया है कि IPC के सेक्शन को खारिज करते हुए कि अब कोई भी महिला शादीशुदा होते हुए भी किसी भी बाहर के मर्द से अगर शारीरिक संबंध बनाती है एडल्ट्री कानून के तहत तो वो कानूनी अपराध नहीं माना जाता। अगर उसका पति उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा देता है तो उनके व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन ये एक कानून है कि शादीशुदा महिला को आज़ादी देने के लिए ये 5 जजों की खंडपीठ ने ये 497 IPC को रद्द किया है। लेकिन दोस्तों आप इसके आधार पर तलाक ले सकते हैं। अगर महिला किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती हुई पकड़ी जाती है या आपके पास एविडेंस है, ये कानून तो रद्द कर दिया कि क्योंकि अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा उस व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि उसकी मर्जी से उसने बाहर के व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाया है। लेकिन आपको ये अधिकार तो मिल जाएगा कि आप उसके आधार पर आप तलाक आसानी से आपको मिल सकता है। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अपने इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।